कविता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीजन की तरह से है। ऑक्सीजन जितनी इंपॉर्टेंट है हम नेचर से लेते हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं जाता, चूंकि मिलती है। कविता चारों ओर भरी है, लोग लिखते हैं, शहीद होते हैं, अपनी जिंदगी खपाते हैं, इन लोग ध्यान नहीं देते। उसीलिए मैंने कहा दुनिया ज्यों की त्यों है, कोई बदलती नहीं है। शायरी खुदकुशी का धंधा है। ये कहने का मतलब ये कि आप कंट्रीब्यूशन आपका पहचाना नहीं जाएगा, बाद में भले ही किताबों में आप आ जाएं। ऐसा है मनीष जी कि हजारों साल से कविता लिखी जा रही है, सारे महापुरुष कविताओं में इतना चिल्ला रहे, वाल्मीकि व्यास सबके सब इतने दिनों से आदमी को इतना उपदेश दे रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं बदला है। कविता मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मोस्ट नेग्लेक्टेड चीज़ है कल्चर में। सुनिए, शायरी खुदकुशी का धंधा है, शायरी खुदकुशी का धंधा है, लाश अपनी है अपना कंधा है। शायरी खुदकुशी का धंधा है, लाश अपनी है अपना कंधा है। आईना बेचता फिरा शायर, आईना बेचता फिरा शायर, उस शहर में जो शहर अंधा है, उस शहर में जो शहर अंधा है। एक मुक्त तक और सुनिए, मेरा भी एक सपना है कि सपने देखना कम हो, मेरा भी एक सपना है कि सपने देखना कम हो, मेरा दिल आंसुओं का और मुस्कानों का संगम हो। मेरा भी एक सपना है कि सपने देखना कम हो, मेरा दिल आंसुओं का और मुस्कानों का संगम हो। बहारें और पतझर लाख मनमानी करे बाहर, बहारें और पतझर लाख मनमानी करे बाहर, मेरे भीतर की दुनिया में मेरी मर्जी का मौसम हो, मेरे भीतर की दुनिया में मेरी मर्जी का मौसम हो।